ब्लॉग्स में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज कटिंग करेंगे एक शरारा की, शरारा सूट में का शरारा, और इसको बनाएंगे साड़ी से। और इसका साइज रहेगा स्मॉल। ये है पेटीकोट वाला कपड़ा, ये अभी 2 मीटर है। और ये है साड़ी, इसी साड़ी को काट के बनाएंगे। यहाँ से आधा इंची कपड़ा को बढ़ा के लीजिए, उल्टा साइड है ये। लाइव वॉलपेपर शुभ रहा हूँ। ये है पेटीकोट वाला कपड़ा, ये जिस तरह से मोड़ा हुआ आता है, इसको 4 तह में लगा लीजिए इस तरह से। यहाँ से कपड़ा को सीधा कर लीजिए। अब यहाँ से 20 इंच पे निशान लगा लीजिए। बोलो जय श्री राम। अब ऊपर से 2 इंच पे निशान लगाइए इलास्टिक के लिए, रबर के लिए, और इस लाइन को भी मिला लीजिए। ये इस तरह से ये कपड़ा का जुड़ा हुआ भाग है और ये खुला हुआ है। अब इस साइड से लीजिए 12 इंच। और ये 2 इंच छोड़ के यहाँ से भी लीजिए 12 इंच। गुड़िया का लगा सियो मशीन पे, उसके बाद फिर तुम अपना सियो। अब यहाँ से लीजिए 2.5 इंच और यहाँ से भी लीजिए 12 इंच। यहाँ से लीजिए 1.5 इंच। यहाँ से ये है 12 इंच, ऊपर 2 इंच, और इसका लंबाई है 20 इंच, फिर यहाँ से 12 और यहाँ से 2.5 इंच और ये है 1.5 इंच। अब इसको काट लीजिए।
अब जो ये बाकी का कपड़ा बचा है 2 मीटर से, इसको कुछ नहीं करेंगे, बस यहाँ से 2 पार्ट कर लेंगे। ये इस तरह से जब इसको सिलाई करेंगे तो इसका लंबाई को सेट कर लेंगे। काटना इसको 2 पार्ट करना है गाइस। ये हो गया ऊपर और इसमें ये लग जाएगा यहाँ से नीचे, इस तरह से लग जाएगा लंबाई के हिसाब से। पेंटर अंकल का हो गया, खुशी लगी हो जाए। अब इसको इस तरह से 2 पीस में जोड़ लीजिए, इसको इधर से जोड़ लीजिए और इसको इधर से जोड़ लीजिए और साथ में इस कपड़ा को भी लगा लेंगे और इसके साथ इसको भी लगा लेंगे। सिलाई करते हैं, इसको इसमें जोड़ेंगे गाइस, ऐसे करके इसको जोड़ देंगे। किनारे से शीशा हटाना पड़ेगा नहीं तो सुई टूट जाएगा। यहाँ एक लाइन ना, ये थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है, इसको कम करेंगे लगभग 1 इंच, इसको ऐसे मिला लेंगे गाइस ऐसे।
अब जो ये अस्तर वाला है कपड़ा, इसको भी एक बार ऐसे मोड़ देंगे और इसको सिल लेंगे साइड से। बड़ा लग जाएगा।